Good morning, everyone. I am Ashmin, kaur from class 5th. Today, the topic of my comedy is Pammi bhai from Mumbai. Hello, everyone. My Pammi bhai, Mumbai se Punjab hai. Ye Punjabi log bhi na bade dil wale hote hain. Jab main yahan naye aayi thi na kaam karne, to ek ghar mein interview lene ke liye gayi. Jab andar enter hui, to sahib ji samne sofa pe baithe hue the. Maine unse pucha, sahib ji, marketing kahan hai? तो वो बिल्कुल चुप, जैसे उनको कोई सांप सुन गया हो। मैंने सोचा क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ बाबा? खैर छोड़ो, मैं बोली कि मैं सब काम कर देगी। But I have some terms and conditions। साहिब बोले, okay। मैं बोली कि मैं झाड़ू नहीं लगाएगी, सफाई में वैक्यूम क्लीनर से करेगी, क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी है रे बाबा। साहिब बोले, ठीक है। मैं बोली कि मैं दिन में 2 घंटे टीवी देखेगी और शाम को 1 घंटा फेसबुक पर बिताएगी और आपको मेरा प्रोफाइल पिक भी लाइक करना पड़ेगा। अब साहिब शर्मा के बोले, ओके। मैं बोली कि मैंने रहने और खाने पीने का भी सारा आपको ही देखना पड़ेगा। अब साहिब बोले कि खाना तो खुद खा लोगी कि वो भी मुझे खिलाना पड़ेगा। ओह, और एक बात मैं भूल ही गई, पगार लूंगी मैं पूरे 10,000 TDS काट कर। अब तो साहिब बिल्कुल चुप, पसीना आ गया था उनको। इतने में सोफे के पीछे से मालकिन बाहर आए, हाथ में चक्कू पकड़े हुए थी और बोली कि इस बार पे भी साहिब जी की तरफ से ओके है। वही मैं सोचूं कि ये इतने सारे ओकियों के कहां से आ रहे थे। अब तो मुझे 9 साल हो गए लोगों के घर काम करते हुए। अरे इतना काम किया मैंने कि कुछ लोग तो बोलते हैं अगर मैं MP के इलेक्शन में खड़ी हो जाऊँ ना तो आराम से जीत जाऊंगी रे बाबा। कुछ लोग तो मुझे भगवान भी बोलते हैं। एक्चुअली पंजाब में सब मिल जाता है और जो नहीं मिलता है वो एक मेरे जैसी काम वाली भाई। आप मानते हैं ना ये बात? मानते हैं ना? आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है सारी हकीकत। चिंता मत करो, मेरी खुद की काम वाली भाई भी 2 महीने से ज्यादा नहीं टिकती रे बाबा। लेकिन आजकल जो नया सिस्टम आया है ना उसमें बहुत परेशान हूँ। अरे किसी के भी घर काम करने जाओ तो बोलते हैं पहले पासपोर्ट साइज फोटो दिखाओ, पुलिस थाने में देना है। अब आप खुद बताओ, मेरा इतना बड़ा मुंह है, इसका पासपोर्ट साइज फोटो कैसे निकल सकता है रे बाबा? फिर मैं भी बोल ही देती हूँ कि फेसबुक पे जो बढ़िया लगे वो डाउनलोड कर लो। लेकिन ये सिस्टम शुरू हुआ है सावधान इंडिया की वजह से। जब से उन्होंने क्राइम दिखाना शुरू किया है सब लोग डर गए हैं। कहने का मतलब ये है जिस घर में भी जाओ कहीं ड्रामा, कहीं नौटंकी, कहीं खून खराबा चल ही रहा है। अरे मैं टीवी सीरियल की बात कर रही है, रियल में नहीं रे बाबा। पर कुछ भी कहो, इन नाटकों से हम काम वाली भाइयों को बहुत फायदा है। अरे कैसा भी काम करो मालकिन कुछ बोलती नहीं है, टीवी में ही घुसी रहती है। मैं तो कहती है ये नाटक ना साथ होती ही ना आना चाहिए, नहीं तो मालकिन फ्री रहेगी और शनिवार और रविवार को बहुत काम करना पड़ेगा रे बाबा। अरे इतनी लड़ाई तो बॉर्डर पर हमारे जवान ही लड़ते जितनी लड़ाई टीवी पर सास और बहू के बीच दिखाई जाती है। अब आप खुद बताओ सबसे ज्यादा समझदार औरतें कहाँ पाई जाती हैं? बोलो बोलो। मैं बताऊं, स्टार प्लस और कलर्स के टीवी सीरियल्स पर रे बाबा। चलो मैं निकलती हूँ, मुझे भी टीवी देखना है रे बाबा। बाय बाय।